हरियाणा के महेंद्रनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित किया और उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा कि कांग्रेस के 10 साल परिवार, दामाद, कल्याण, दलितों और पिछड़े वर्गों की लूट और अपमान के 10 साल हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने क्या किया ये उन्होंने गिनाया कि बीजेपी के 10 साल बिना किसी खर्ची, बिना किसी पर्ची के युवाओं के विकास के लिए थे। सुशासन के 10 साल और 36 समुदायों का विकास किया गया है। तो हरियाणा के महेंद्रनगर जब वो पहुंचे तो इस दौरान कांग्रेस पर जमकर बिफरे। कांग्रेस के 10 साल से 2.5 गुना गेहूं और धान खरीदा है और बाकी सारा मिला लो तो 3.5 गुना खरीदी की। ये क्या एमएसपी की बात करते हैं? किसानों के कल्याण में हमारी सरकार भावांतर योजना भी लाई है। भाइयों बहनों, हमने रेहड़ी पटरी वालों को भी लोन देने का कार्यक्रम किया। पीएम सूर्य घर योजना से 5 लाख घरों में मुफ्त बिजली पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ हमने कई सारे नए वादे किए हैं।